हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज रात की ड्यूटी करनी है, देख सकते हैं आप रात को कितना कोहरा पड़ रहा है। और यहाँ पे पंप पे तेल पंप पे खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का नज़ारा। और देखिए, अब आ चुका हूँ मैं ड्यूटी पर और रात के शिफ्ट के कर्मचारी आ चुके हैं, क्योंकि 10 बज चुके थे जब मैं ड्यूटी पर गया। लेकिन मेरी ड्यूटी 2 बजे से 10 बजे तक है। सुबह मुझे रात को 2 बजे से ड्यूटी करनी थी, लेकिन मैं 10 बजे आ गया था। इतने मैंने सोचा कि अपने कमरे पे लौट जाऊंगा, क्योंकि रात को 1:30-2 बजे आना तो बहुत मुश्किल था। तो इसलिए मील में आ गई, लेट गया था मैं। और आप देख सकते हैं कोहरा बहुत ज़्यादा है। और कोहरा जब मैं मील से ड्यूटी करके 6 बजे गया था, तो कोहरा जब से पड़ना शुरू हो गया था। और रात को ड्यूटी पर आया तो बाइक चलानी बहुत मुश्किल हो गई थी, और सुबह भी इस तरह बुरा हाल था। तो देखिए, आज रात की ड्यूटी कर रहा हूँ, आज रात को 2 बजे ड्यूटी करनी है। तो रात पर जाने बाद मेरे को दिखाऊंगा, काफ़ी धूल पड़ रही है, रास्ते में आना भी मुश्किल हो गया था। रात के समय भी गन्ने कम नहीं होते, किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ जाते हैं। और जो गन्ने सेंटर होते हैं, ट्रक देख सकते हैं, ट्रक ज़्यादा आते हैं शाम के टाइम। तो रात को बोगी तो नहीं आती, छोटा बोगी, लेकिन ट्रैक्टर आते हैं और ट्रोले आते हैं बड़े बड़े। और मील के अंदर आप देख सकते हैं रात के समय कितनी जगमगाहट रहती है, लेकिन धुंध की वजह से कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। और उसके बाद मैं कमरे पर सोने के लिए चला आया था, क्योंकि रात को ड्यूटी करनी है मुझे। सुबह के बच्चे गए 5:30, तो बना रहा हूँ चाय। दूध ये रखा है और रोटियाँ भी है और नमकीन का पैकेट, चाय नमकीन चला दीजिएगा, नाश्ता करेंगे। पंखा चला रखा था, थोड़ी गर्मी लग रही थी, काम कर रहा। तो आज पूजा स्थान की सफाई कर रही है, और सभी तस्वीरें और मूर्तियाँ साफ कर कर अलमारी में लगा रही है। यही हमारा पूजा स्थान है, और एक एक कर सभी तस्वीरें साफ कर रही है और उनके स्थान पर रख रही है। देखिए, आधे से ज़्यादा तस्वीरें लग चुकी हैं। ऐसे सारी तस्वीरें साफ कर कर लगा रही है पूजा। तो आज का काम साफ सफाई का ही है। ऊपर के दोनों खानों में तस्वीरें लग गई हैं और मूर्तियाँ भी। तो नीचे अखबार लगा रही पूजा, और उसके बाद नीचे की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लगा देगी। बहुत सारी तस्वीरें और मूर्तियां पूजा ने उनके स्थान पर लगा दिए हैं सफाई कर। वो जो कपड़े धो चुके थे पूजन की तय कर अलमारी में लगा रही है, और कुछ कपड़े ऐसे भी है जो अभी तक धोए नहीं। देखिए हमारे यहाँ कितने कपड़े हो जाते हैं, छजनों के बहुत ज्यादा कपड़े हो जाते हैं। और पूजा ने साफ सफाई करी घर में, अब पूजा कपड़ों की तय बनाकर लगा रही है। हमारे घर में बहुत कपड़े होते हैं, किसी के मतलब थोड़े होते हैं, हमारा तो ज्यादा ही होते हैं।
और पूजा ने सहज सहज कर सारे कपड़ों की तय कर दिया है। आधे से ज़्यादा कपड़े पूजा ने अलमारी में लगा दिए हैं। और आपने भी देखा कि पूजा ने कितने कपड़ों की तय की है, उसके बावजूद भी बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो धोए नहीं। तो कपड़े 6-7 जनों के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और मम्मी कर रही है गंगा को और गंगा को घास करने की तैयारी। चला दूध दिखे और मम्मी ने गंगो बाहर बांध दिया है धूप में। तो यहाँ जीने के पास धूप आ जाती है तो इसे यहीं बांध देते हैं क्योंकि ज़्यादा जगह हमारे यहाँ पर है नहीं और धूप भी थोड़ी आती है। और मम्मी उठा रही है गोबर गाय के पीछे से जो गोबर रखा है, उसके बाद सन्नी करनी शुरू कर दी मम्मी ने। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो रात की ड्यूटी करके आया था मैं आज, रात 2 बजे से सुबह 10 बजे तक ड्यूटी थी। तो अभी सो के उठा हूँ, 4 बज चुके हैं शाम के। तो मुँह भी नहीं धोया अभी, अड़कस भी नहीं उतरा, अब मुँह धोना है, चाय पीनी है और खाना भी खाना है। आज खाना भी नहीं खाया, रात बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि रात मील बंद हो गया था। देखिए मौसम, शाम का मौसम कैसा हो रहा है और बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए ऊपर से नज़ारा शाम का कितना अच्छा हो रहा है और वहाँ पे हमारे मंदिर है, झंडा आप देख सकते मंदिर के। और ये हमारा गांव है, सब मकान बहुत अच्छे बने हैं, पक्के मकान है सबके यहाँ पर।
शाम के टाइम आया हमें छत पर अपनी और मुँह हाथ मैंने धो लिया है तो हल्का से मेरा तुर चुका है और अब चाय पीनी है शाम की। देखो क्या सोच दे उधर आज तो होने वाले हैं।